जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से यह स्टॉक कैसा है, इसके बारे में तसल्ली से इस वीडियो में बात होगी। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी ने अभी हाल ही में बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया है। तो बोनस शेयर्स कब मिलेगा, किस रेशियो में मिलेगा, इस खुशखबरी को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, बाद में इस कंपनी को आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं बोनस शेयर्स को डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने अक्षिता कॉटन्स लिमिटेड कंपनी को ओपन कर लिया है। देख लीजिए, वही कंपनी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी अभी एएसएम स्टेज में है। हालांकि एएसएम स्टेज उतनी चिंता की बात नहीं होती जितनी चिंता की बात ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में जब स्टॉक होता है तब होता है। खैर, ये मेन टॉपिक नहीं, मेन हम लोग समझते हैं कंपनी का जो बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया है उसके ऊपर। देखिए, अभी हम आ गए हैं कॉरपोरेट एक्शंस पर। कॉरपोरेट एक्शंस में ही पता चलता है कि कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बोनस शेयर्स दिया है 1:3 का अनाउंसमेंट किया है। 1:3 कहने का मतलब हुआ, यदि किसी के पास 3 शेयर्स हैं तो उसे 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके पास टोटल 4 शेयर्स हो जाएंगे। बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, किसी व्यक्ति के पास यदि 5 शेयर्स हैं तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे। देखिए, 5 शेयर्स हैं तब भी उसको 1 ही शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा और उसके पास टोटल 6 शेयर्स हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 शेयर्स पे ही कंपनी 1 शेयर एक्स्ट्रा दे रही है। इसलिए यदि आपके पास 5 शेयर तब भी आपको 1 ही शेयर मिलेगा। हाँ, 6 शेयर्स आपके पास होते तब आपको 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलता और आपके पास टोटल 8 शेयर्स हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि 3 के मल्टीपल में ही कंपनी बोनस शेयर्स देने जा रही है। यदि आपके पास 3 शेयर्स हैं तो उस पर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब सवाल है कि कौन कौन से व्यक्ति इस बोनस शेयर्स को पाने के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, इसके लिए होता है रिकॉर्ड डेट। यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड डेट है 25 दिसंबर 2022। यदि किसी व्यक्ति ने 25 दिसंबर 2023 से पहले इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया होगा तो वो एलिजिबल है इस कंपनी के बोनस शेयर्स को पाने के लिए। 25 दिसंबर के बाद, मान लीजिए यदि आज किसी व्यक्ति ने शेयर्स को बाय किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसको बोनस शेयर्स का लाभ नहीं मिलेगा। ये इतनी शानदार कंपनी है कि समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहते हैं। जैसे देखिए, इसी साल जून में बाईबैक लेकर आए थे, बाईबैक भी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। और उसके बाद नवंबर में देखेंगे तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया था 10 पैसे का। यानी कि छोटी कंपनी होने के बावजूद इतनी सारी चीज़ें ये कंपनी निवेशकों को दे रही है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बोनस शेयर्स को समझ लिया। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने स्टॉक्स पर और उसको समझते हैं कि ये कंपनी लंबी अवधि में निवेश करने के लिए भी कैसी है। और यहाँ पर सबसे पहले यदि काम की बात करें, देखिए कंपनी जो है ये बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है। किस चीज़ में करती है, तो कॉटन्स बेल्स में करती है। देख, बेसिकली कॉटन्स बनाती है ये जो कंपनी है कॉटन। यदि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉटन का महत्व समझे तो कोई कम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति को सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ही मतलब नहीं है। यदि हमें ज़िंदा रहना है तो हमें कपड़ा, कॉटन, इस सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसलिए लंबी अवधि के निवेश के लिए ये स्टॉक काम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि फंडामेंटल समझे तो मार्केट का तकरीबन 600 करोड़ तकरीबन 700 करोड़ मान लेते हैं। स्टॉक का पी 30 के आसपास, यानी कि बहुत शानदार पी है। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा आपको स्टॉक यहाँ पे महंगा लगेगा, लेकिन हम तो खैर चार्ट पर देख के उठाते हैं कि कहाँ पे लेवल है, वहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस को देख के बाई करते हैं। तो हमें खैर पी के महंगा और सस्ता होने से कोई मतलब नहीं है। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी शानदार है, बहुत बढ़िया बात है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है यह काफ़ी कमाल की बात है। तकरीबन 40% के आसपास आरओई है और 50% के आसपास आरओसी है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम, मान लीजिए कम से कम 30% तो रिटर्न निकाल कर दे ही देगी। चलिए चार्ट पर समझते हैं कि हमें कहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना है, जो लोग अभी तक बाय नहीं किए हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ और 1 साल के चार्ट पर देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस मई में लंबी प्रॉफिट की बुकिंग होने के बावजूद प्राइस नीचे आ गया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया था। और कंसोलिडेशन से अभी देखेंगे ये स्टॉक बाहर निकलते हुए आपको दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे डब्लू का भी फॉर्मेशन हो रहा है और जब भी डब्लू बनता है तो शेयर में तेज़ी आती है और इस स्टॉक में लंबा ब्रेकआउट होने जा रहा है। और ये ब्रेकआउट कम से कम मान लीजिए फिर से यहीं पर आपको 55-60 रुपये तक इजिली आते हुए दिख सकता है। और ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने तजुर्बे के बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि जब जब मार्केट में डब्ल्यू बनता है तेजी आती है। और दूसरी बात, कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकला है तो जब भी कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर निकलता है तो उसमें एक लंबी तेज़ी देखने को मिलती है। तो आपको शॉर्ट टर्म में ही सही लेकिन एक लंबे ब्रेकआउट के लिए तैयार रहना होगा। ओवरऑल यदि हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट को इग्नोर नहीं किया सकता। क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी आपको कंपनी का बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। कंपनी जो काम करती है, काम के बेसिस पे भी कंपनी का शेयर्स का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, क्योंकि इसकी डिमांड रहेगी। साथ में कंपनी समय समय पर आपको बोनस प्लस बाईबैक प्लस आपको डिविडेंड देते हुए नज़र आ रही है। तो एक छोटी सी कंपनी,
हालांकि उतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी चीज़ें दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रख रही है और बाकी कंपनी में ग्रोथ का फैक्टर तो दिख ही रहा है। लंबी अवधि में निवेश के लिए एक्सिटा कॉटन्स बढ़िया स्टॉक्स है, आप चाहें तो इसे विचार कर सकते हैं लेने के लिए। बाकी इस स्टॉक के प्रति यदि मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।